नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कैसे करें नए साल का स्वागत। ये लगातार दूसरा साल है जब नए साल के पहले दिन मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर फिर सख्त नियम बना दिए गए हैं। दरअसल देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश के तमाम मंदिर प्रशासन बेहद सतर्क है। चूंकि नए साल का पहला दिन शनिवार और दूसरा रविवार को पड़ रहा है, जिसके चलते मंदिरों में बेहद भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे लेकर विश्व प्रसिद्ध विश्वांधिनी धाम काशी, अयोध्या और मथुरा में स्थित मंदिरों की प्रबंधन समितियों ने कमर कस ली है। कई मंदिरों ने दर्शन और पूजन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। चलिए, क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई है वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो पहले और दूसरे दिन मंदिर में चरण स्पर्श प्रतिबंधित चारपहिया वाहनों का पार्किंग स्थल भी मंदिरों से दूर रहेगा। इसके अलावा ब्रिज के मंदिरों में भी कड़ा प्रतिबंध देखने के लिए मिल सकता है। बिना मास्क धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी, यानी कि अगर आप बिना मास्क के जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मथुरा वृंदावन के अन्य जगहों पर बगैर मास्क जाना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। बिना मास्क श्रद्धालुओं को वापस पुलिस भेजेगी। टेम्परेचर मापने और हाथ सैनिटाइज करने के मंदिर में प्रवेश मिलेगा, यानी कि अगर आप अपना टेम्परेचर अपवाते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं तो भी आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नए साल को लेकर मंदिरों में प्रवेश पर भी कई पाबंदियां रह सकती हैं, कई गाइडलाइंस हैं। तो देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच नए साल के जश्न को लेकर भी अलग अलग शहरों में सख्ती लागू कर दी गई है। कई राज्यों में नए साल के जश्न को लेकर कहा गया है कि सिर्फ ऐसे लोगों को ही नए साल पर पार्टी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाई होगी। वहीं नए साल को लेकर यूपी में क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम समझाते हैं। तो 100 से ज्यादा लोगों की पार्टी में शामिल होने पर रोक रहेगी। खुली जगह में क्षमता के साथ 40% लोगों को इजाजत होगी। कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन को लिखना होगा आवेदन पत्र। कमिश्नरी वाले जिलों में पुलिस कमिश्नर को जरूरी जानकारी देनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना बेहद अनिवार्य रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन आप नहीं करते तो आप पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, संबंधित आयोजकों की जिम्मेदारी हो सकती है। बंद जगहों पर क्षमता के 50% लोगों की अनुमति ही रखी गई है। इसके अलावा कोविड 19 को लेकर प्रचार प्रसार भी लगातार किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। लोगों से घरों में कार्यक्रम करने को प्रेरित भी किया जाएगा और आज से तस्वीरें देखने के लिए उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। कार्यक्रम स्थलों के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि नए साल का मौका है। पुराने साल को हम गुड बाय कह रहे हैं और नया साल का आगाज होने जा रहा है, तो ऐसे में आज जो कई जगहों पर लोग पार्टियां करते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो पुलिस की पेट्रोलिंग वहाँ रहेगी। ड्रोन कैमरे से निगरानी हो सकती है। कार्यक्रम स्थल पर मास्क ना लगाने वालों पर जुर्माना भी हो सकता है। तो ये वो गाइडलाइंस थी जो हमने आपको बताई है मंदिरों को लेकर और जो तमाम कार्यक्रम होते हैं आज के दिन उसको लेकर गाइडलाइंस जो जारी नहीं आई हैं उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध तो नहीं रहेगा, पाबंदियां तो नहीं रहेगी, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना होगा, जैसा कि आपका टेम्परेचर नापा जाएगा, हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क जरूरी होगा और एक समय पर कुछ ही लोगों को दर्शन करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अगर हम नए साल की पार्टी की बात करें तो नए साल का जो जश्न है वो कहीं ना कहीं पुलिस की निगरानी में आपका हो सकता है, क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग लगातार करती रहेगी, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रहेगी। तमाम जो चीज़ें हैं वो आज देखने के लिए मिल सकती हैं। तो नए साल पर ओमिक्रॉन का जो साया है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। नए साल को लेकर नई गाइडलाइंस जो हैं वो तमाम राज्यों में देखने के लिए मिल रही है और आज हम फोकस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पर कि उत्तर प्रदेश में नए साल को लेकर क्या नई गाइडलाइंस हैं।
तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और तमाम जगहों से जो मेरे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करेंगे, लखनऊ से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी तस्वीरें हैं लखनऊ में, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में यहाँ के हालात कैसे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शुभम, अगर देखा जाए तो लखनऊ में हालात कैसे हैं? शुभम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो मेरे सहयोगी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नए साल को लेकर जो जरूरी गाइडलाइंस हैं वो आपको एक बार फिर से जान लेनी चाहिए, उसको पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह की बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कानपुर और मथुरा का हम रुख करेंगे, यहाँ से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं मथुरा का रुख करूंगी, मथुरा में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नए साल के मौके पर ज्यादातर जो लोग हैं वो मंदिरों में प्रवेश करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार नए गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि पहला दिन शनिवार है, दूसरा रविवार, लोगों की ज्यादातर छुट्टियां रहती हैं। जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, हम मथुरा की बात कर रहे हैं, तो मथुरा में जो बात जो देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक गाइडलाइन बनाई है और उनके लिए प्रवेश बिल्कुल प्रविधन बंद रखा है, क्योंकि अभी खुद पे अब मथुरा की बात करें तो मथुरा में अब तक 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन्हीं को देखते हुए जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए रूम की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, अगर मंदिरों में जो प्रवेश की बात है कि अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा, हाथों को सैनिटाइज करना होगा, मुंह पर मास्क लगाना होगा, प्रतिबंध जो है वो भी है, पुलिस की पेट्रोलिंग भी देखी जा रही है, इसको लेकर क्या नई गाइडलाइंस है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मथुरा की बात करें, मथुरा की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी है और मंदिरों में जो सबसे ज्यादा हमारा बांके बिहारी जी का मंदिर माना जाता है मथुरा का, बांके बिहारी जी के मंदिर में जो एंट्री उन लोगों को दी जा रही है, जो श्रद्धालु उनको दी जा रही है, जो मतलब कि अंदर मास्क लगा के जाएंगे, सैनिटाइज करके जाएंगे, वो ही श्रद्धालु बांके बिहारी जी का दर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इसके अलावा और क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, पार्टियां करते हैं, कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो ऐसे में आज पुलिस प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, हम मथुरा पुलिस की बात करें, 2021 खत्म होने जा रहा है, 2021 खत्म होने के बाद में जो अपने अपने जो पार्टियां करते हैं और पार्टी और मथुरा पुलिस पूरी तरीके से उन पर रोक लगा दी गई है, कोई पार्टी शांति नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोविड को देखते हुए मथुरा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। चलो ठीक है, अगर बात की जाए पवन मथुरा की, तो मथुरा में कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जो प्रचलित हैं और हर साल हम देखते हैं कि कोरोना से पहले इन मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी और इतनी भीड़ की लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन 2 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में लोगों की कितनी मायूसियत देखने के लिए मिल रही है? बताना चाहूंगा, जिस 2 साल से जो बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे और बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से प्रबंधन है, ना कि जो लोकल हैं, लोकल ही हम बात करें, लोकल ही दर्शन कर सकते हैं। और देखो, हर साल हर वर्ष की बात करें, ये भी आखिरी दिन है हमारा 2021 का, अब के भी पूरी तरीके से मथुरा
प्रशासन तरफ से मंदिरों में बड़ी सुरक्षा की गई है, मास्क लगा के सैनिटाइज लगा के प्रोटोकॉल का पालन करके बाकी बिहारी जी के मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कानपुर की तो कानपुर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी कानपुर से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर में कैसे हालात हैं, नए साल को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या यहां पर भी मंदिरों में प्रवेश अगर आप करते हैं तो फिर आपको मास्क लगाना होगा, हाथों को सैनिटाइज करना होगा, या एक एक करके दर्शन करने होंगे, या अनुमति है? जी मैं आपको बता दूं कि कानपुर पूरी तरीके से नए साल को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। और रही बात 31 तारीख की जो पार्टियां होती थी, जो मॉल में पार्टियां होती थी, जो होटलों में पार्टियां होती थी, रेस्टोरेंट में पार्टियां होती थी, इन पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। और साथ में यही कहा गया है कि अगर आपको किसी चीज़ की पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन भी 50 लोगों से ज़्यादा की परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर 50 लोग यदि हैं तो उनको परमिशन मिली जा रही है, लेकिन कोरोना की पूरी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए ही आपको पार्टी की परमिशन मिलेगी। रही बात अगर मंदिरों की बात करें तो नए साल में हर घर से लोग मंदिर जाते हैं, नए साल अच्छा हो इसकी दुआ मांगते हैं जा करके, तो मंदिरों में भी बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के जो मंदिर प्रशासन है, यहाँ पे जितने भी विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, जैसे आनंदेश्वर ले लीजिए, बारा देवी ले लीजिए, तपेश्वरी ले लीजिए, या बिठूर पर्यटन स्थल के जितने भी स्थान हैं, इन सभी जगह पे आपको सैनिटाइजर लगा के जाना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा, तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। यदि आप ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं, उनमें मायूसी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 2 सालों से ऐसा हो रहा है, लोग जो दर्शन पूजन है नए साल के मौके पर सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मायूसियत थोड़ी बहुत तो देखने को मिल रही है, लेकिन जान है तो जहान है। दर्शन भी होंगे, अन्य काम भी होंगे, पार्टियां भी मनाई जाएंगी, लेकिन कोरोना को देखते हुए लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं। ओमिक्रॉन क्योंकि उससे भी ज़्यादा खतरे वाला है, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं थोड़ा सा मायूस जरूर हैं, लेकिन इस गाइडलाइन को पूरा फॉलो कर रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मास्क लगाएंगे और सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद में ही दर्शन करेंगे मंदिरों में। देखिए, अगर विकास बात की जाए तो कानपुर में हमने देखा था कि बीते समय में जो वायरल बुखार है उसके भी बहुत सारे मामले सामने आए थे, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उतनी बेहतर नहीं थी। अगर हम आज की बात करें तो अब कल नया साल का पहला दिन है, ऐसे में लोग भारी संख्या में बाहर निकल रहे होंगे, बाजारों में कितनी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, जो नई गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि जो पहला कोरोना आया था उसमें लोग सतर्क नहीं थे, उस जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सतर्क नहीं थी, कोरोना को हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर इसकी आई कोरोना की, तो जो आंकड़े थे वो कुछ ज़्यादा बढ़े, पहले वाले से दूसरे वाले में आंकड़े ज़्यादा बढ़े, तो दूसरे वाले से जो जनता है यहाँ की, ये पूरी तरीके से सतर्क हो गई है, पूरी तरीके से पालन कर रही है। मार्केट में भीड़ जरूर है, लेकिन पूरी गाइडलाइन फॉलो की जा रही है, मास्क लगाया जा रहा है, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका प्रशासन चालान भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता इस समय। ठीक है विकास, आप मेरे साथ बने रहिए, गाजियाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अगर गाजियाबाद की हम बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को थोड़ी छूट जरूर दे दी गई है। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी युवा जो है वो बड़े पैमाने पर निकलता है, पार्टीज करता है। आज के दिन आज तस्वीरें कैसी हैं, क्या आपकी बात उन यंगस्टर्स से हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ का माहौल जो होता है नए साल को लेकर कुछ अलग ही होता है। लोग 31 को जो 31 दिसंबर है उसको मनाने के लिए अलग ही अंदाज अपनाते हैं, रात भर घर से बाहर रहते हैं, नाइट में बाहर रहते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार पुलिस भी पहले से ज़्यादा सतर्क है, अलग से पुलिस लाइन से भी कुछ फोर्स मंगाया गया है जो रात को लगातार पेट्रोलिंग करेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए क्लब की, रेस्टोरेंट की, तो वहाँ पर भी पहले से ही इन सारी चीज़ों की गाइडलाइंस की एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और साथ ही उनसे कहा गया है कि अगर इस तरह की कोई भी कमियाँ आपके पास पाई जाती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। जिसके चलते अभी 2 दिन पहले ही गाजियाबाद
पुलिस ने कुछ ऐसे रेस्टोरेंट को और कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा था जो रात को अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा लोगों को पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। इन तमाम चीजें लगातार पुलिस पहले से ही सतर्क है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रशासन की तो ड्रोन से भी इस बार निगरानी की जानी है। ये तमाम चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अब ऐसे में आता है गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ मंदिर, जहाँ पर हाल आसपास से काफी श्रद्धालु पहुंचते हैं। खासतौर पर दिल्ली NCR, मेरठ और नोएडा से काफी श्रद्धालु पहुंचते हैं और शिव भक्त जो होते हैं वो वहाँ पहुंचते हैं और भगवान शिव को अपने जो है जल चढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाला साल जो है इसी तरह से हमारा खुश रहे। लेकिन उसको लेकर भी मंदिर प्रशासन पूरी तरह से स्वस्थ है। एक बार में सिर्फ 5 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। साथ ही मंदिर के अंदर ही खुद एक ऐसी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है कि जो जाएगा वो खुद ब खुद पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। ये तमाम चीजें गाजियाबाद प्रशासन और मंदिर के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर जितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ के लगभग है यहाँ की जनसंख्या, लेकिन उसके बावजूद भी मामले बहुत कम ओमिक्रॉन के देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर कोरोना के मामलों की हम बात करें तो फिलहाल कल बहुत ज़्यादा मामले सामने आए थे, ऐसे में उसके बावजूद भी इतनी सख्तियाँ हम लगातार देख रहे हैं, क्या लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो रैलियाँ बड़े पैमाने पर हो रही है, लाखों की संख्या में रैलियों में लोग शामिल हो रहे हैं, वहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लेता है, मास्क किसी के मुंह पर नहीं दिखाई देता है। ऐसे में जब आम जनता की त्योहारों पर, आम जनता के घूमने फिरने पर या फिर कहीं आने जाने पर या फिर कोई समारोह करने पर, कोई आयोजन करने पर इस तरह की पाबंदियां लगती हैं तो लोगों में क्या गुस्सा दिखाई देता है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में गुस्सा दिखना है ये आम बात है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं 15 दिसंबर से आज 31 दिसंबर तक की अगर बात की जाए तो जो कोरोना का गाजियाबाद में फैलने की जो दर थी वो 0.04 थी, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर ये दुगनी हो चुकी है, 0.08 हो चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि दिल्ली NCR गाजियाबाद में जो कोरोना के केसेज है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ने शुरू हो गए हैं। बात की जाए इंदिरापुरम की, बात की जाए रिपब्लिक क्रॉसिंग की, बात की जाए वसुंधरा की, ये ऐसी जगह है काफी रिहायशी इलाकों में गिनी जाती है और यहाँ पर लगातार एक के साथ एक जो परिवार है वो कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। अब इसके बाद जब उनकी कोरोना की जांच होती है उसके बाद जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसकी भी जांच होनी होती है, उसमें समय लग जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा अगर लोगों की बात की जाए उनके अंदर निराशा है। बहुत से लोग आपको आसानी से कहते मिल जाएंगे कि सरकार अपनी रैलियां करती है उसमें पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर हम 10 लोगों को लेकर जाते हैं या 20 लोगों को लेकर जाते हैं तो हमसे मास्क पूछा जाता है, हमसे सैनिटाइजिंग के लिए पूछा जाता है। दिन काफी चढ़ चुका है और अब रात का इंतजार लोग कर रहे हैं क्योंकि जो नए साल का आगाज है वो होने जा रहा है, तो रात में कई लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्या तैयारियां, क्या सुबगाहट देखी जा सकती है गाजियाबाद में प्रशासन की? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद पुलिस की बात की जाए तो आज फ्राइडे नाइट से ही 31 जो दिसंबर है उसको सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो ये 3 दिन तक चल सकता है, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने पुलिस लाइन से भी अलग से फोर्स की व्यवस्था की गई है और लगातार पेट्रोलिंग की जो संख्या है उसको बढ़ाया गया है और साथ ही सैनिकों को जो सिपाही है उनको कहा गया है कि आपको इन 3 दिनों में अपना पूरा 100% देना है ताकि हम लोगों को कोशिश कर सकें जितना कम हो सके उनको कोरोना वायरस की में होने से रोक सकें। जी ठीक है, मेरे सहयोगी विकास भी लगातार मेरे साथ बने हुए कानपुर से। विकास, अगर कानपुर की हम बात करें तो यहाँ पर नए साल की तैयारियां तो चल ही रही हैं, साथ ही साथ कुछ और भी चल रहा है, जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा कि पीयूष जैन के यहाँ पर छापेमारी हुई है और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर कैश, सोना, चांदी जो भी कुछ है वो बरामद हुआ है, तो ऐसे में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं या फिर खुश हैं नए साल को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई, एक अच्छी खासी रकम उनके यहाँ से बरामद हुई, इसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे इत्र कारोबार पे एक ग्रहण सा लग गया है। लगातार छापेमारी जारी की जा रही है। अभी हाल ही में आज जो है सवेरे कन्नौज स्थित आवास में पुष्पराज पम्मी जैन के यहाँ जो है छापा मारा गया है। एक मलिक मियाँ है, इत्र कारोबारी है, उनके यहाँ छापा मारा गया है।
सवेरे से ही जांच टीम उनके घर पे। तो विकास, जो दूसरे इत्र कारोबारी हैं, जो आम इत्र कारोबारी हैं, जो बहुत छोटे स्तर पर इस कारोबार को करते हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, क्या उनमें कोई डर बना हुआ है या फिर नए साल को लेकर वो खुश हैं और उनकी तैयारी है नए साल को लेकर सारी? जी, मैं आपको बता दूं कि जितना भी डर है वो बड़े व्यापारियों पे है। छोटे व्यापारी तो वो तो अपना माल लेते हैं, इत्र लेते हैं और मार्केट में उसको सेल करते हैं। डर जो भी है, आईटी का जो भी डर है या जो भी डर इन लोगों का है, वो सिर्फ एक बड़े व्यापारियों पे है। छोटे व्यापारी नए साल को लेकर के उसी तरह से उत्साहित हैं जिस तरीके से पिछले साल उत्साहित थे। जो छापे वाली अगर बात करें तो छापा जो आईटी का रेट पड़ी हुई है, जो छापे पड़े हुए हैं, वो सिर्फ बड़े कारोबारी, जितने भी बड़े कारोबारी हैं वो इसको लेकर के काफ़ी डरे हुए हैं। छोटे कारोबारी जो भी हैं, चाहे वो इत्र के हों या रेडीमेड के हों या किसी भी चीज़ के हों, तो वो उनके अंदर किसी प्रकार का स्टार्ट का कोई फर्क नहीं है कि हमारे यहाँ। चलिए विकास, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ मुझ तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने सहयोगी जितेंद्र का रुख करूँगी। जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए हर साल कहीं ना कहीं दो साल से हम देख रहे हैं कि जो क्लब चला रहे हैं, जो पब चला रहे हैं, जो होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके जो संचालक हैं वो बहुत मायूस नज़र आते हैं, क्योंकि यही समय होता है, चाहे वो क्रिसमस का हो चाहे वो नए साल का हो, जिसमें इनकी भारी भरकम इनकम होती है, लेकिन दो साल से ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या उनसे आप लोगों की बात हो पाई है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए उनसे हम लोगों की बात हो पाई है तो उनका यही कहना है, बहुत से ऐसे पब्स हैं, क्लब्स हैं जो बंद हो चुके हैं क्योंकि दो साल में उनकी कोई इनकम नहीं हुई, लेकिन उनका जो टैक्स था और उनका जो किराया था, जो उनका रेंट था, वो लगातार जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से आपसे संपर्क साधूंगी। और शुभम लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। शुभम, लखनऊ की मैं बात करूँ तो यहाँ के हालात कैसे हैं? तो शुभम की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अलग अलग जो जिले हैं वहां के हालात कैसे हैं, कैसी तैयारियां हैं नए साल को लेकर आम जनता की और प्रशासन की, वो हमने आपको बताई है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनका पालन करवाना है, आम जनता को समझाना है और ये बताने की कोशिश करनी है कि भले ही नए साल हो और भले ही हम लगातार त्यौहार मना रहे हों, लेकिन हमें इन त्यौहारों को मनाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के जो नए नए वेरिएंट हैं वो लगातार हर साल देखने के लिए मिल रहे हैं। मथुरा से मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मथुरा का एक बार फिर से मैं रुख करूँगी। यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूँगी कि मथुरा में जो यूथ है, जो आम जनता है, वो कितनी खुश है नए साल को लेकर? तो मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, एक आखिरी सवाल ये है कि अभी फिलहाल किस तरह की भीड़ देखने के लिए मिल रही है, क्या अभी से भीड़ पर काबू पाने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद पुलिस की बात की जाए तो आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास से ही पेट्रोलिंग होती दिखाई दे गई, जो कि सोचने पर मजबूर करती है कि हाँ, इस बार गाजियाबाद पुलिस नए साल को लेकर पहले से सतर्क है। और जिस तरह से लगातार दिन चढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए और तमाम ऐड के जरिए गाजियाबाद पुलिस लगातार लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि आप इस तरह से लगातार जो है भीड़ इकट्ठा ना करें, अपना आपको कोरोना से सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो साल बदलते रहेंगे और नए आते रहेंगे, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन आपको सुरक्षित रहना होगा। उसके लिए तो गाजियाबाद पुलिस प्यार से और दूसरे उसके बाद दंड से दोनों तरह से तैयार है लोगों को समझाने के लिए। फिलहाल अभी गाजियाबाद पुलिस लोगों से एडवाइस जारी करते हुए उनको समझा रही है कि आप घर से बाहर ज्यादा ना निकले, बिना काम के ना निकले, और यही तमाम चीजें जो लगातार देखने को मिल रही है। और साथ ही यही चीजें अपने ट्विटर हैंडल से भी, आपने यूपी पुलिस को भी देखा होगा किस तरह से समझाया जा रहा है। जी,
बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग जगह के हालात आपने जाने हैं, किस तरह की तैयारियां हैं पुलिस की भी और आम जनता की भी। नया साल सर पर है, नए साल का आगाज होने जा रहा है, लेकिन नए साल का जो स्वागत है वो हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो हर साल किया करते थे। इस बार भी कोरोना का साया 2022 पर बन जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि 2022 में क्या हम इस ओमिक्रॉन की चेन को तोड़ पाते हैं या फिर ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।